दोस्तों, भारत सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी योजना जिसको हम आयुष्मान भारत यानी गोल्डन कार्ड के नाम से जानते हैं, दोस्तों इस योजना के तहत आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज यानी 5 लाख तक का आप फ्री में इलाज करवा सकते हो, चाहे आप सरकारी या आप गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पतालों में। यानी कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रकम खर्च होने की उम्मीद होती है, वहाँ पर आप अपना आयुष्मान कार्ड के मदद से 5 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। यानी कि अब आपकी जान तो बचेंगे ही, साथ में पैसे भी। तो आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हो और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इस लिस्ट में नाम यानी इस योजना में नाम है कि नहीं? तो भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से जान सकते हो कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हो। और भारत सरकार ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और स्वागत है आपका रितेश बेन के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को जानते हो कि आयुष्मान भारत कार्ड, गोल्डन कार्ड जिसको बोलते हो, वो हमारे सरकार ने ये सुविधा दिए हुए हैं और ये उन लोगों को सुविधा दिए गए हैं जिसको कि BPL यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है, वो अपना बड़े से बड़े बीमारी को इलाज नहीं करवा सकते हैं और बिना से बड़े से बड़े बीमारी का इलाज नहीं होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक सुविधा लॉन्च किया है जिसको हम लोग आयुष्मान भारत कार्ड यानी गोल्डन कार्ड बोलते हैं। तो उसमें सरकार 5 लाख रुपए आप सभी को देते हैं और जिससे कि आप अपना इलाज करवा सकते हो बड़े किसी हॉस्पिटल में, या आप सरकारी या आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये आपका गोल्डन कार्ड की मदद से आप अपने बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज करवा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा की बेस्ट कार्ड है जो कि गवर्नमेंट सरकार हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया हुआ है। तो ये आप सभी को कैसे पता चलेगा कि इस कार्ड का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च की है जिसकी मदद से आप आसानी से जान सकते हो कि कैसे आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो बिना CSA केंद्र में जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप उस वेबसाइट में जाके आप अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना सकते हो बिना CSA केंद्र के जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीका का एक वेबसाइट मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे आपके द्वारा आयुष्मान का एक वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नंबर आप अपना एंटर कर दोगे, यहाँ पे आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर एंटर कर दो और उसके बाद यहाँ पर गेट OTP पे आप क्लिक कर दोगे। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मैसेज को एंटर कर सकते हो। यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करोगे तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपके पास देख सकते हो किस तरीके से वेबसाइट आपका खुलने लगेगा। और यहाँ पर आपका वेबसाइट खुलने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना लिस्ट चेक कर सकते हो और आप कैसे आप जान सकते हो कि मेरा आयुष्मान कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक OTP आएगा, वो एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ब्लॉक नेम और विलेज को आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप अपना स्टेट को चूज कर लें। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक टाइप में आप अपना ब्लॉक को चूज करें। अगर यहाँ पे आप ब्लॉक में नहीं आते हो या आप नगर पालिका में या नगर परिसर में आते हो तो ULB सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके ब्लॉक में आते हो आप तो यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक के नाम आपको चूज करना है, तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम आपको सर्च कर लेना है यानी कि सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना गांव या पंचायत को सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे सर्च में क्लिक करोगे तो सर्च में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक PDF डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि अभी खुल पा रहा है, मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे आपके पास एक पूरी PDF आ जाएगा और जिसके कि यहाँ पे PDF पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे PDF बना हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद भी आपका डाउनलोड जाएगा। तो सिंपल आपका जिस PDF के लोगो पे डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपके द्वार एक यहाँ पे बिहार का नाम से एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास पूरी PDF खुल के आ जाएगा। यहाँ तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपके पास PDF खुल जाएगा, जहाँ पर आपके पास यहाँ पे नाम और यहाँ पे फैमिली ID के साथ और फादर्स नेम और यहाँ पे आपके पास NN लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि मेरा यहाँ पे बना नहीं है। और यहाँ से आप कंट्रोल ऐप करोगे, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल ऐप दबाओगे तो उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी नाम अपना लिखाओगे, तो नाम लिखने के बाद आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम है कि नहीं डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीक़े से आप आसानी से आप अपना
बिना सीएससी केंद्र में जाए आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट आया है कि नहीं, आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, आप आसानी से आप अपने घर बैठे चेक कर सकते हो। और यहाँ से लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप अपना सीएससी केंद्र में जा करके आप अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।